हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीनियर टू जूनियर एकेडमी। सो फ्रेंड्स, दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ आवर टारगेट सीबीएसई मैथ्स 100 आउट ऑफ 100 सीरीज। सो फ्रेंड्स, जिन्होंने पहले का वीडियोस नहीं देखा है, दो लेक्चर, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप पहले का लेक्चर देख लीजिए ताकि उसमें आपको क्लियर कॉन्सेप्ट मिल सके। इस लेक्चर में मैं क्या करने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन उठाऊंगा जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। सो इस लेक्चर में टोटली क्या होगा फ्रेंड्स, मैं कुछ प्रीवियस ईयर 2023 के जो बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स के पेपर है, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चंस है, मैं उठा के लाया हूं आपके लिए। और इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम आउटपुट आपको दे सकूं। और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और मैं सिखाऊंगा इस वीडियो में, जो मैं प्रीवियस ईयर में अभी तक देखा नहीं हूं, बट मुझे ऐसा फील होता है कि वो क्वेश्चन इस साल आ सकता है। सो फ्रेंड्स, पहले एक काम करते हैं, पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे पास कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जैसे ये बेसिक वाला आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिस वन, ये बेसिक्स लिखा हुआ, मैथ्स बेसिक, दो पेपर होता है, एक बेसिक का होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। तो आप जो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट किए आप उसी के हिसाब से आप करोगे। बेसिक वाला थोड़ा इजी पेपर होता है, सेट वन है, 23 का मैं पेपर लिया हूँ, ये सेट टू है, एंड और एक स्टैंडर्ड पेपर मैं लिया हूँ यहाँ पे, सेट टू है 2023 का। सो यहां से मैं अभी तक जितना पढ़ाया हूं, यहां से मैं दिखाता हूं आपको क्वेश्चंस कैसा आता है। फ्रेंड्स, ये आपका हो गया स्टैंडर्ड पेपर, ठीक है फ्रेंड्स। सो एक बार आप चलते स्लाइड पे, मैं यहां पे क्वेश्चंस कॉपी करके रखा हूं फ्रेंड्स आपके लिए। तो देखते हैं फ्रेंड्स, जो पहला क्वेश्चंस है आपका सेट वन 2023 का जो बेसिक पेपर है उसमें आया हुआ था कि आपका, ये तो बहुत ही ज्यादा ही इजी क्वेश्चंस है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ, जैसे 2 to the power 3 इंटू 3 इंटू 5, और एक दिया हुआ है एक्सप्रेशन 2 to the power 4 इंटू 5 इंटू 7। आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है फ्रेंड्स। आप देखिए, मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था एलसीएम लेने के लिए क्या करना पड़ता है, जो फैक्टर है उसका हाईएस्ट पावर, आप जो कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर ले लो, तो 2 to the power 4। अब 3 तो एक ही बार है, 5 भी यहाँ एक बार है, यहाँ भी एक बार है, तो 5 आप लिख सकते हो इंटू 7, तो 2 to the power 4 is equals to 16। 16 into 3 into 5 into 7। सो आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो 16 into 3 आपका, अब एक काम करो, आप 16 into 5 कर लो, 16 5 is 80 into 21। सो आप इंटू कर लो, आंसर आपका आ जाएगा 21 into 8 करके देखो, 8 आपका है, 8 2 is 16, सो 1680 आंसर होगा आपका, 1680। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, फाइंड द एलसीएम ऑफ 576 और 512 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो फ्रेंड्स, ये भी काफी इजी है बट थोड़ा सा लेंदी है, मैं इसको अभी आपके लिए कर दे रहा हूँ इस बार। सो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, 576 और 512 का आपको क्या करना है, आपको फैक्टर लिखना है। सो आप 576 को जब आप फैक्टराइज करोगे तो आप देखोगे कि आपको 2 to the power 6 इंटू 3 to the power 2 के फॉर्म में आएगा, और 512 जो होता है फ्रेंड्स 2 to the power 9 होता है। तो आपको जब इसमें एलसीएम निकालना होता है तो आपको फिर सेम वही चीज करना होगा, आपको हाईएस्ट पावर दिखना पड़ेगा, तो 2 to the power 9 है और 3 में तो सिर्फ पावर 2 ही है, तो 2 to the power 9 इंटू 3 square, तो इसका होगा 2 to the power 9 हो गया 512 इंटू 3 square 9। इसका एक्सप्रेशन फ्रेंड्स आप निकाल के देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान मतलब ही है, मैं इसको बोलूंगा, हार्ड तो नहीं बोलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेट टू में सेम वही क्वेश्चन है, 1680 आंसर है, एंड आपका ये क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ 660 और 704, इसमें आपको क्या करना है, एचसीएफ में जो आपका जो कॉमन फैक्टर्स होगा उसी को आपको लिखना है, आपको पता ही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेट थ्री में देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 3 to the power 4 इंटू 2 square इंटू 7 to the power 3, और फिर नीचे में एक्सप्रेशन है 3 square into 5 into 7। तो जैसे कि लास्ट स्लाइड में बताया था, एचसीएफ निकालने के लिए आपको जो कॉमन फैक्टर होता है वो देखना होता है। तो जैसे इसमें 3 to the power 4 है और ये 3 square है, तो इसमें कॉमन हो गया 3 square, और कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 7 दिख रहा है बस। तो आंसर होगा 3 square 9 into 7 9 7 63 आंसर होगा फ्रेंड्स, आंसर इज 63। ये वन मार्कर क्वेश्चन है। सिमिलरली आपको एलसीएम निकालना है। बेसिकली आप फ्रेंड्स ये आप बहुत सारा प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ही ईजी होता है कि 480 का फैक्टर्स निकाल लीजिए
और 256 है, उसका भी फैक्टर्स निकाल के जैसे मैंने बताया। अगर एलसीएम बोलेगा तो आपको जो कॉमन का हाईएस्ट पावर है उसको ले लेना, और एचसीएफ बोलेगा तो कॉमन का आपको कॉमन नंबर ही देखना है दोनों में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका तीन सेट था। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ फ्रेंड्स, जो आपका ये स्टैंडर्ड पेपर में आया हुआ है, मुझे ये लग रहा है क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड, इसको मैं प्रॉपर सॉल्व करूंगा। फाइंड द लीस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई 12, 16 एंड 24 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। ये 2023 का एक स्टैंडर्ड पेपर में था। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी एक नंबर हो, जैसे मैं अगर लिखता हूँ, लेट्स से मैं 10 लिखता हूँ, आपको पता है 10 2 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी डिवाइड होता है। इनडायरेक्टली 2 और 5 का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, 10 होता है। अगर मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैंने बेसिक लेवल पे लाऊं कि मैं बोलूं फाइंड द लीस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाय 2 एंड 5 लीव्स रिमाइंडर 1 इन ईच केस, जैसे मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, तो अगर मैं क्या करूं कि 2 और 5 का एलसीएम ले लूं, मुझे पता है 10 आ रहा है, और इस 10 में मैं प्लस 1 कर दूं तो 11। अब मेरा जो क्वेश्चन था, फाइंड अ नंबर विच वेन डिवाइडेड बाय 2 एंड 5 लीव्स रिमाइंडर 1 इन ईच केस, तो क्या किया मैंने, बेसिकली मैंने एलसीएम निकाला, उसमें प्लस 1 कर दिया था। अब 11 को आप 2 से डिवाइड करो तो आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा, 5 को भी आप 11 को 5 से डिवाइड करो तो भी आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करेंगे। मैं हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले हम लोग 12, 16 और 24 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 12 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2, 4, 4 थ्री जा 12, 16 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 2 जा 2 जा 16, 24 को मैं लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू जा 4, 4 टू जा 4 टू जा 8, 8 थ्री जा 24। तो एलसीएम फ्रेंड्स इसमें क्या होगा आप बता सकते हो मुझे, एलसीएम एलसीएम होगा जैसे कि हाईएस्ट पावर आपको देखना है, इसमें हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3, इसमें हो गया 2 टू द पावर 4, इसमें हो गया 2 टू द पावर 3 इंटू 3। तो हाईएस्ट पावर हो गया 2 टू द पावर 4 एंड एक जगह आपका हो गया 3। सो फ्रेंड्स आपका एलसीएम 2 टू द पावर 4 यानी कि 16 इंटू 3 48, तो आपका एलसीएम हो गया फ्रेंड्स 48। देखिए आप 48 को अगर आप डिवाइड करते हो फॉर एग्जांपल 12 से, ये भी डिवाइड हो रहा है 12 फोर, अगर मैं 48 को 16 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये भी आपका डिवाइड हो रहा है 3 टाइम्स, और मैं 48 को 24 से डिवाइड कर रहा हूँ तो भी ये 2 टाइम्स हो रहा है। अब मुझे क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई दिस लीव्स रिमाइंडर इन 7 इन ईच केस। अगर मैं 48 में 7 जोड़ दूं, दैट इज 48 प्लस 7 इज 55, तो डोंट यू थिंक कि हम लोग का आंसर मिल गया। अगर मैं 55 को अब 12 से डिवाइड करूं तो 12 फोर जा 48, कितना बचा, 7 बचा रिमाइंडर। सो आंसर जो है मेरा फ्रेंड्स आंसर होगा 55। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड में आया हुआ था, और यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चंस। अब एक आपको जो लास्ट इसमें कॉन्सेप्ट, ये पेपर में कहीं आया हुआ नहीं है फ्रेंड, बट मुझे पर्सनली लगता है कि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जहां पे अभी तक आप लोगों ने तो सिंपल नंबर का एचसीएफ एलसीएम निकाला है, बट इस टॉपिक में ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें मैं आपको फ्रैक्शन वाला सिखा देता हूँ। सो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2/5 और आपको दिया हुआ एक नंबर 3/7। तो इसमें क्या करना है फ्रेंड, आपको जब एचसीएफ बोलेगा निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, एक इसका ट्रिक यही है कि एचसीएफ आप ऊपर का नंबर कर लो न्यूमरेटर 2/3 डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ नीचे का नंबर दैट इज 5/7। 2 और 3 में कॉमन तो सिर्फ 1 है, एंड 5 और 7 का एलसीएम हो गया 35, आंसर इज 1/35। और अगर एलसीएम बोलेगा निकालने के लिए तो ऊपर में आप एलसीएम कर लो न्यूमरेटर का, दैट इज 2 और 3 हो गया, और नीचे में एचसीएफ हो जाएगा आपका 5 और 7 का फ्रेंड्स। सो 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6, 5 और 7 है स्टिल कोई कॉमन नहीं है 1 है, तो आंसर हो गया इसका 6 हो गया। सो एचसीएफ हो गया 1/35, एलसीएम हो गया 6। सिमिलरली फ्रेंड्स ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप ये करके कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइएगा। 8/9, फिर आपका 10/27, फिर 16/81। तो आपको जब निकालना है, पहला चीज अगर मैं बोलूं एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ आप क्या करोगे, एचसीएफ हो जाएगा फ्रेंड्स एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में क्या क्या है फ्रेंड्स, 8, 10, 16 डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ
9, 27, 81। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट एलसीएम निकालना होगा, तो एलसीएम ऑफ ऊपर का नंबर क्या होगा, एलसीएम 8, 10, 16 डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ 9, 27, 81। बहुत ही आसान, ये बहुत मुझे पर्सनली लग रहा है, ये कभी क्वेश्चन आया नहीं है, बट ये स्टिल ये जो क्या बोलते हैं इसको, जो आपका फ्रैक्शन वाला है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। सो इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कुछ बोर्ड्स का क्वेश्चन देखा, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखा। अब जो नेक्स्ट वाला जो लेक्चर स्टार्ट करूंगा फ्रेंड्स, उसमें अब हम जो है आपका बेसिकली सेकेंड जो एक्सरसाइज है, जो इरेशनल प्रूफ करना होता है, √3, √5 और √2, ये तीन टॉपिक दिया हुआ था सिलेबस में, अभी उसको मैं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और फिर उसका कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके चैप्टर 1 रैप अप कर देंगे फ्रेंड्स। सो अभी तक जितना भी टॉपिक कराया हूं, आपका एक मार्कर का एमसीक्यू आएगा और इसमें से 2 मार्कर का एक कॉन्सेप्ट आएगा। सो 3 मार्कर का आपका बोर्ड के लिए अभी तक हो चुका है फ्रेंड्स। सो आई थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, शेयर नॉलेज, शेयर सक्सेस। कोई भी डाउट हो s2jacademy@gmail.com पे मेल कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी चाहिए तो मैं इस पे आपको भेज दूंगा फ्रेंड्स। सो आई थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।